नमस्कार, मैं ऋतु ठाकुर आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल recipesclass.com में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का चीला। तो आज का जो आलू का चीला है मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आलू का चीला बनाना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आलू का चीला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, दो आलू लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये, और एक प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का प्याज है, दो चम्मच अरारोट लिया है मैंने, एक चम्मच देसी घी, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और आधा चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम जो आलू हैं उन्हें ग्रेट कर लेंगे। तो एक कद्दूकस लेंगे हम। तो अब मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ। तो आलू को ग्रेट कर लिया है मैंने। तो अब मैं जो प्याज था उसे भी ग्रेट कर लेंगे साथ ही। तो आलू और प्याज दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अभी इन्हें एक बर्तन में डाल लेंगे। तो बर्तन में डालने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ, हरी मिर्च डाल देंगे साथ में, अरारोट भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट डालने के बाद में हम जल्दी से चीला बनाएंगे, क्योंकि मैंने नमक डाल दिया है आलू में। तो नमक डालने के बाद में आलू और पानी अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल आलू जो है वो पानी छोड़ते हैं। तो अब चीला बनाएंगे हम जल्दी से। तो सबसे पहले हम थोड़ा घी लगा लेंगे पैन पर, पैन गरम कर लिया है मैंने, और जो चीला है उसे मैं लो फ्लेम पर बनाऊंगी। शेप दे देंगे साथ ही जो बैटर तैयार किया था, थोड़ा प्रेस कर देंगे, नहीं तो जो चीला है वो मोटा बनेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा वो। तो लो फ्लेम पर पकाएंगे हम चीले को। तो अब चीले को पहले मैं अलग कर देती हूँ पैन से। तो हम चीले को पलट देते हैं। तो फिर से लो फ्लेम पर हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक चीले को पका लेंगे। अच्छी तरह से पक जाना चाहिए हमारा चीला। तो हमारा चीला जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। चीले का जो कलर है वो बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसे किचन टावल पर निकाल लूँगी। तो हमारे आलू के जो चीले हैं वो बन करके तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।